आप सबको स्वागत है। आज हम 5 मई के ईश्वर वरदान में आ पहुंचे हैं। शरीर की अवस्था ठीक नहीं है, मेरी नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार ठीक है, लेकिन शरीर कहीं ना कहीं मन और बुद्धि को खींचने की कोशिश करता है, सर्दी जुकाम ये सारी चीजों से। कोई बड़ी बात नहीं है, हम आज परमपिता परमात्मा सिखाते क्या है, ब्लेसिंग्स क्या देते हैं हमें, उसके बारे में जानेंगे। एंड आपकी ब्लेसिंग्स जो मेरे पास आ रही हैं उससे ये शरीर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो कि हम सबको आगे बढ़ाती हैं। तो देखिए आज परमात्मा की ब्लेसिंग्स क्या हैं। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा कोई भी चीज़ को हैंडल करना पड़ता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे चीज़ें हों, लेकिन हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव, सर्व के स्नेही भव, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले। तो जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम तो कड़वे हो, तुम तो विकारी हो, तुम तो पापी हो, तुम तो भ्रष्ट हो, ये नहीं कहा। लेकिन हम क्या करते हैं कलयुग में, हम ऐसे बहुत सारे टाइटल्स और को दे देते हैं और फिर अपना रिलेशनशिप बिगाड़ देते हैं। हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे। परमात्मा ने जब कह दिया कि आप ही मेरे हो, थे और सदा बनोगे, मतलब कैसे बनेंगे, पवित्र बनेंगे। बनाने वाला कौन है, परमात्मा, रचयिता। ऐसे फॉलो फादर करो कि हमें भी फिर परमात्मा जैसे औरों को भी ऐसे ही देखना है, इस नजर से कि सब मेरे हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ, सबकी विशेषता को देख के, किसी के अंदर फॉल्ट्स नहीं, गलतियां नहीं देख करके आओ, तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। सबका आपस में क्या होगा, आत्मिक प्यार होगा। देखिए जिस्मानी प्यार क्या होता है, आपको एक गिफ्ट दे देते हैं, आप किसी के लुक्स के ऊपर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, अच्छी साड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सूट है, अच्छी ड्रेस है, या आप किसी के टैलेंट्स के ऊपर कमेंट करते हो, सारी सारी चीजें जो होगी वो फिजिकल मेजॉरिटी है। थोड़ा सा टैलेंट्स को हम आत्मिक क्वालिटी में बोलेंगे, लेकिन आत्मा के अंदर अगर टैलेंट है लेकिन उसके अंदर पेशेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है, उसके अंदर स्वीटनेस नहीं है, कंपैशन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, तो वो टैलेंट का क्या फायदा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हो सकता है लोगों के अंदर टैलेंट्स हो लेकिन आपको टैलेंट्स नहीं, आपको लोगों के अंदर के टैलेंट्स से इफेक्ट नहीं होना है, इम्प्रेस नहीं होना, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको देखो। हम ज्यादातर कलयुग में क्या करते हैं, हम उनके अंदर की बुराइयों को देखते हैं, हम बोलते हैं ये ऐसा वो वैसा, और हम अपने मन को भी मैला, औरों को भी हम अपने से दूर कर देते हैं, और फिर कहते हैं हम अकेला महसूस करते हैं, अकेलापन है। क्यों, क्योंकि हम औरों की बुराइयां, औरों की गलतियां देखने में हमें मजा बहुत आता है, लेकिन वो मजा एक सजा बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब मैंने तुम्हारे अंदर बुराइयां नहीं देखी तो तुम भी वही प्रैक्टिस करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा, उनको भी फील होगा कि आप उनको जज नहीं कर रहे, नॉन जजमेंटल, और आपको उनका प्यार महसूस होगा और उनको भी आपसे प्यार महसूस होगा, और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। सर्व के स्नेही, एक दो के नहीं, जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। मतलब कि आपको उनसे दुआएं मिलेंगी, क्योंकि आपने मेरे कुछ बुरा नहीं किया, अगर आप लोग मेरा आज ये काम होने वाला है, ये करना है मेरे को, हर किसी से आपको दुआएं मिलेंगी। लेकिन अगर आपने किसी के बारे में बुराई फैलाई है, काना भूसी करी है, ये ऐसा वो ऐसा, हाँ करो करो देखते हैं, तो ये भी ऐसे दुआएं आपको मिल सकती है। तो हमें कैसे औरों के अंदर दुआएं देकर के दुआएं लेनी, ये कला आनी चाहिए। दुआएं देने के लिए हमें उनके अंदर विशेषताएं दिखनी आनी चाहिए, ना कि उनकी बुराइयां दिखनी आनी चाहिए। तो सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है, इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। संबंध को हैंडल करने का यही सबसे अच्छा तरीका, चाहे आप घर बार में रह रहे हो, चाहे आप किसी बिजनेस में रह रहे हो, चाहे आप किसी से कुछ काम करवा रहे हो, ये कला अगर आपने सीख ली तो हर किसी के आप प्रिय बन जाओगे। और ये सिखाया था ब्रह्मा कुमारी, इसमें इसके लिए शक्ति चाहिए होती है, वो भी परमात्मा से, मेडिटेशन के द्वारा। सिर्फ ज्ञान से नहीं होता, ज्ञान तो चारों तरफ है दुनिया में, लेकिन शक्ति के बिना, प्योरिटी के बिना, परमात्मा
करके ये ज्ञान धारण नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं होती इसके ऊपर चलने की। तो आप आइए मेडिटेशन सीखिए ब्रह्म कुमारी में, और फिर इस ज्ञान को आप अपने जीवन में धारण होते दिखेंगे। ओम शांति इसके साथ।